हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हो? आई हो आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और सेफ से होंगे, सेफ्टी से रह रहे होंगे। और यहाँ देखिए, मैं कर रही हूँ पूजा। और पूजा करने के लिए मैं छत पर जल चढ़ाने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि आज पूर्णिमा थी। तो ये बुधवार का वीडियो है, ब्लॉग है मेरा। तो यहाँ जल चढ़ा दिया है मैंने, तो अब जाऊँगी मैं नीचे। और नीचे जाके मैं किचन में लग जाऊँगी खाना पीना बनाने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। और मॉर्निंग के टाइम में बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन होता है, और किचन में बहुत सारा काम हो जाता है मॉर्निंग के टाइम में। तो यहाँ देखिए, सब्जी बना रही हूँ मैं, आलू बंद गोभी और मटर की सब्जी। तो यहाँ लहसुन प्याज मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको भून लिया है अच्छे से। और अब मैं इसमें सब्जी को ऐड करूँगी, उससे पहले करूँगी इसमें मसाले ऐड में। तो यहाँ पर नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मैंने मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। इसको कर लूँगी अच्छे से मिक्स, और इसको चलाकर अच्छे से सब्जी को ऐड कर दूंगी इसमें, जो कि मैंने कट करके रखी थी, आलू और हैं बंद गोभी, मटर। और सर्दियों में तो आलू बंद गोभी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है खाने में। और पर चेक करके जब खाना चाहिए फ्रेंड्स, ये बंद गोभी को अच्छे से चेक करना चाहिए जब कट करना चाहिए। और मैं वैसे बहुत ही कम बनाती हूँ, लेकिन कभी कभार मन करता है बनाने का तो बना लेती हूँ मैं। और सब्जी तो छोंक दी मैंने, और अब मैं करूँगी आटे को, आटा तैयार करूँगी। तो आटे को मैंने गूँथ रही हूँ यहाँ पर। तो और मुझे आज लोई भी निकालनी थी, गाय को लोबे जो होते हैं, मीठी लोबे, तो यहाँ पर वो भी मैंने तैयार कर लिए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने तैयार कर लिए हैं प्लेट के ऊपर। तो मेरे हस्बैंड चाहेंगे तभी मैं भेज दूँगी। और यहाँ चाय भी बन रही है साइड में, क्योंकि चाय का टाइम होता है मॉर्निंग में। और सब ने नहा लिया है, बच्चे रह गए हैं, मैंने और मेरे हस्बैंड ने नहा लिया है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन हो जाता है, आप समझ सकते हैं सभी औरतें कि किचन में कितना सारा काम हो जाता है। तो मैंने सब्जियाँ भी बन गई है और चाय भी बन चुकी है, तो अब मैं बना लेती हूँ रोटी। तो यहाँ पर रोटी ही सेक रही हूँ बस। तो रोटियाँ मैं अभी ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, और साथ के साथ खाने के लिए बाद में बनाऊँगी मैं, अभी हस्बैंड के लिए ही बना दूँगी। तो यहाँ देखिए, सारा काम फिनिश तो नहीं हुआ है, लेकिन मेरे बर्तन बच गए थे, बर्तनों को मलने के लिए मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ मैं बर्तनों को, मुझे ईंट नहीं मिल रही थी इसे क्लीन करने के लिए, कढ़ाई को, और कढ़ाई को मैं ईंट से ही क्लीन करती हूँ, तभी वो चमकती है। तो यहाँ देखिए, मैं कर रही हूँ अपनी गैस को क्लीन, क्योंकि खाना बनाने के बाद उस पर जो हल्का फुल्का आटा लग जाता है, या फिर कुछ भी सब्जी वगैरह, चाय वगैरह गिर जाती है, तो उसके निशान रह जाते हैं। तो बस मैं उसी को गीले से कपड़े से अच्छे से पोंछ देती हूँ, उसके बाद हल्का हल्के पानी डालकर धो देती हूँ। और बस इसी तरह से पूरा क्लीन कर लूँगी मैं किचन को, और फिर आपको दिखाऊँगी। और मेरे काउंटर पे ज़्यादा कुछ सामान नहीं है, इसीलिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस गैस के नीचे ही क्लीन करना पड़ता है, और थोड़ी सी जगह बर्तनों के लिए हो जाती है रखने के लिए। तो बस मैं रोज़ाना धुलाई इसलिए कर देती हूँ। और फ्रेंड्स, साड़ी में ब्लॉग कैसा लगा ये भी बताइएगा प्लीज़। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा तो मैं आगे भी साड़ी में ब्लॉग आपके लिए लेकर आऊँगी। और
साड़ी में ब्लॉक अच्छे लगते हैं और साड़ी पहनना भी अच्छा लगता है, बट क्या करें, जो आदत गंदी हो जाती है तो फिर सुधरने का नाम नहीं लेती है। और हम रोज़ाना में सूट ही पहनते रहते हैं, तो यहाँ चलो कोई नहीं, ये तो एक आदत की बात रही। हम आदत को चाहें तो कभी भी बदल सकते हैं, और ज़्यादातर अच्छी आदतें ही होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए किचन सारा क्लीन हो चुका है, गैस भी मैंने क्लीन करने आया है, और यहाँ आ गया है अब सिंक का नंबर। तो सिंक को मैं सबसे बाद में क्लीन करती हूँ, वैसे मैं उसको हाथ मार लेती हूँ मैं एक बार, क्योंकि बर्तन मलने के बाद उसी में रखे जाते हैं, तो इसलिए मैं पहले ही भी हाथ मार लेती हूँ एक बार। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सारा किचन जो है क्लीन हो चुका है, पोछा मार लेती हूँ मैं उसके बाद, तो गैस भी चमक गया है एकदम। और ये वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड से कर दिया है, क्योंकि इतना स्पीड मैंने कर नहीं रखा था। तो यहाँ मैं पोछा मार रही हूँ, तो पोछा मारने के बाद सारा क्लीन हो जाता है। तो उसके बाद मैं कमरे में जाऊंगी, कमरे में देखूंगी कि क्या फैला पड़ा है, और कमरे को मैं समेट लूंगी जो भी कुछ फैला पड़ा होगा वहाँ। और फैल तो जाता ही है घर, क्योंकि सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा काम होता है, तो और नाश्ता वगैरह करते हैं तो इधर उधर फैलारा हो ही जाता है। तो यहाँ देखिए किस तरह से सोफ़ा हो रहा है और बेड की बेडशीट हो रही है, तो इसको मैं ठीक कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं इसमें एक बार और पोछा मारूँगी बस। तो उसके बाद मेरा काम निपट जाता है। तो प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा इस वीडियो को, और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइए, और कोई भी कमी हो फ्रेंड्स वीडियो में तो प्लीज़ वो भी बताइएगा, क्योंकि इस तरह से नहीं पता चलता कि हमारे वीडियो में क्या कमी है क्या नहीं है। तो आप बताइएगा कि क्या कमी है वीडियो में। और मेरी जो सूट्स हैं उनमें वीडियो कैसा लगता है ये भी बताइएगा। ब्लॉग तो साड़ी में बना लो या सूट में बना लो, बात एक ही हो, लेकिन कुछ लोग साड़ी में ज़्यादा पसंद करते हैं, तो कभी कभार साड़ी में भी बनाना चाहिए। तो बस मैंने वही सोच कर साड़ी पहनी थी। तो यहाँ झाड़ू लगा लेती हूँ मैं, क्योंकि हल्का फुल्का तिनका हो ही जाता है। हेलो फ्रेंड्स,
वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हो? आई हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ्टी से रह रहे होंगे, सुरक्षित होंगे आप सभी। उम्मीद यही है मेरी बस आपसे। और मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और थोड़ी बहुत परेशानी होती रहती है सभी के घर में, बट ठीक हूँ बिल्कुल। और ठीक हूँ। और अभी मैं कुछ दिन पहले अपनी मम्मी के यहाँ से आई थी। बहुत सारे कपड़े हो गए थे तो उनकी मुझे तय लगानी है। ये देखिए कितने सारे कपड़े हैं। और एक बात और नोटिस की होगी कि आज मेरा साड़ी में ब्लॉक है, ये फर्स्ट ब्लॉक है मेरा ये साड़ी में। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। और मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा क्योंकि मैं साड़ी बहुत ही कम पहनती हूँ, बहुत ही मतलब मैंने बिल्कुल छोड़ ही दी थी साड़ी। लेकिन ये बहुत ही गंदी आदत है साड़ी ना पहनने की, इसलिए साड़ी साड़ी हमेशा पहनते रहने चाहिए ताकि हमें आदत लग करो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। तो मैंने आज सोचा मैं साड़ी में ही ब्लॉग बनाऊंगी और साड़ी साड़ी में ही शेयर करूंगी। प्लीज़ आप बताइएगा कैसी लग रही है साड़ी। और ये बहुत ही मतलब कंफर्टेबल वाली साड़ी है और बहुत ही मतलब इसमें बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा मेरे को कि मैंने साड़ी पहन रखी है। तो आपको कैसी लग रही है? और मैं साड़ी में आगे भी ब्लॉग बनाती रहूं या नहीं प्लीज़ बताइएगा। घर का सारा काम हो चुका है फ्रेंड्स। तो अब मेरे थोड़े से कपड़े पड़े हैं गीले जो मैंने धोए थे, तो उनको सुखाने चलते हैं छत पे, टेरेस पे जाऊंगी मैं। और आज है पूर्णिमा, आज है पूर्णिमासी है आज। तो गाय को लोया भी भिजवा दिए हैं मैंने अपने हस्बैंड के साथ, हस्बैंड के हाथ जो ऑफिस गए थे वो, तो मैंने तभी भेज दिए थे। और पूजा वगैरह सब कुछ हो चुका है यहाँ पर और खाना भी बन चुका है मेरा। तो मेरा सारा काम निपट चुका है, रह गया बच्चों का काम। तो बच्चों का नहलाना धोना मैं अब करूँगी। और चलिए टेस्ट पे, तो कपड़े सुखाने के लिए चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऊपर मैं आ गई हूँ छत पे। तो यहाँ बहुत तेज़ की धूप हो रही थी, बहुत अच्छी धूप निकल रही थी, कपड़े भी बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो काम तो सारा फिनिश हो चुका है, कपड़े रह गए थे मेरे, बहुत सारे कपड़े हैं फ्रेंड्स। तो कम से कम सोफे की एक सारी कुर्सी थी इतनी बड़ी, वो सारी भरी हुई थी कपड़ों की मारे। तो मैंने कुछ कपड़ों पर प्रेस करनी थी मुझे और कुछ की मुझे तेल लगा कर रखनी थी, तो मैं वही कर रही हूँ। और साड़ी का पल्लू भी परेशान करता है इसलिए वो उठना पड़ता है कहीं भी। और यहाँ प्रेस कर रही हूँ कपड़ों पर, ज़्यादातर हस्बैंड के कपड़े ही होते हैं तो उन्हीं के कपड़े प्रेस कर रही हूँ बस।
ये देखिए फ्रेंड्स सारे कपड़े प्रेस जी, फ्रेंड्स सारे कपड़ों हैं, पर कुछ प्रेस हो बच्चे चुकी के। हैं, कुछ ये रखे हैं यहाँ पर। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और एक लाइक तो ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपसे आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे और हमें एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और हमें अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।